हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज का अगला लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के जरिए हम साउथ अमेरिका की फिजिकल ज्योग्राफी को, यानी जो भी इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी में लोकेशंस हैं साउथ अमेरिका में, उनको हम जानेंगे दोस्तों। चलिए, मेरा नाम है निरंकार, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों साउथ अमेरिका के बारे में जानते हैं। साउथ अमेरिका जो है दोस्तों, दुनिया का चौथा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है। याद रखिए, सबसे बड़ा एशिया है और चौथे नंबर पे दोस्तों साउथ अमेरिका आता है। दोस्तों साउथ अमेरिका में आपको कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज मिल जाएंगी, यानी पहाड़ियां मिल जाएंगी, पहाड़ मिल जाएंगे। वो जैसे कि उसका फेमस नाम है दोस्तों एंडीज। एंडीज के जो माउंटेन्स है आपको साउथ अमेरिका में ही मिलेंगे। और ये दोस्तों जो है, इट्स साउदर्न एंड्स ऑलमोस्ट टच अंटार्कटिका सेपरेटेड बाय ड्रेक पैसेज। और साउथ अमेरिका जो है दोस्तों, ड्रेक पैसेज से सेपरेट होता है किससे दोस्तों, अंटार्कटिका। आपको पता है धरती के सबसे नीचे अंटार्कटिका है और यहीं पे अगर देखा जाए तो यह है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को जो काटता है उसको कहते हैं ड्रेक पैसेज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रेक पैसेज जो है कौन से महाद्वीप को अंटार्कटिका से काटता है, तो आपको पता होना चाहिए साउथ अमेरिका को काटता है। द कॉन्टिनेंट इज स्पार्शली पॉपुलेटेड एंड डिवाइडेड अमंग 13 नेशन। तो दोस्तों जो साउथ अमेरिका है, टोटल इसमें 13 देश आते हैं। कितने आते हैं? 13 देश आते हैं दोस्तों, ठीक है। और ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर है नहीं। इक्वेटर पासेस थ्रू द इक्वेडर। तो दोस्तों आपको पता है धरती पे जो इक्वेटर है, जिसे हिंदू में विषुवत रेखा भी कहते हैं, ये जो है दोस्तों इन देशों से पास होती है, इन देशों से होकर गुजरती है। जैसे इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, यहां से दोस्तों जो इक्वेटर रेखा है वो होकर गुजरती है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये है इक्वेटर रेखा 0 डिग्री वाली। ये इक्वाडोर से होके जा रही है दोस्तों, कोलंबिया से होके जा रही है और अमेजोन से। याद रखिए, ये तीन देशों से होकर गुजरती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इक्वेटर जो है साउथ अमेरिका के कौन कौन से देशों से पास होती है, तो तीन देशों से पास होती है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद सिटीज लाइक मैकेप, क्वेल्यूज एंड ऑन इक्वेटर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट शहर भी हैं जो इसी इक्वेटर के ऊपर पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहां से पास होकर नहीं जाती। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है थोड़ा ऊपर से निकल जाती है। ये देखिए दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से निकल जाती है, ये साउथ अमेरिका से पास होकर नहीं होती। लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये जरूर होकर जाती है दोस्तों साउथ अमेरिका से। और साउथ अमेरिका के चिले देश हो गया, अर्जेंटीना देश हो गया, पराग्वे हो गया और ब्राजील, इन चार देशों से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी गुजरती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि साउथ अमेरिका के कौन कौन से देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होकर गुजरती है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये दोस्तों चिले देश है, ये है दोस्तों अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से होकर जा रही है, और ये है पराग्वे, ठीक है, और यह है ब्राजील। याद रखिए, फिर से बोल देता हूं, चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, इन चार देशों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, ये बड़ा मैप है। आप समझते हैं दोस्तों साउथ अमेरिका के थोड़ा लैंड के बारे में, जमीन के बारे में। साउथ अमेरिका में दोस्तों 12% जो है टोटल लैंड है अर्थ का, पूरी धरती पे जितना लैंड है उसका 12% साउथ अमेरिका में मिलेगा आपको, ठीक है। द कॉन्टिनेंट इज मोस्टली इन साउदर्न हेमिस्फीयर। और ज्यादातर जो कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप है, साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। साउदर्न हेमिस्फीयर का मतलब क्या दोस्तों, 0 डिग्री जहां से जाती है उसके ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री दोस्तों यहां से होकर गुजरती है, तो इसी के नीचे का जो है, देख लीजिए ना, ज्यादातर हिस्सा किसमें आ रहा है? साउदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है ना। साउथ अमेरिका हैज फॉलोइंग फिजिकल डिविजन। अगर साउथ अमेरिका के फिजिकल डिविजन को बांटें तो हम तीन भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला है द वेस्टर्न माउंटेन्स, यानी साउथ अमेरिका के अगर वेस्ट इलाके में देखें, ये दोस्तों वेस्ट वाला है और ये वाला ईस्ट वाला है। तो वेस्ट में दोस्तों देखा जाए तो वेस्टर्न में दोस्तों आपको बहुत माउंटेन्स मिलेंगे। और यहीं पे मैंने बताया ना कौन से फेमस माउंटेन्स है, एंडीज। क्या ये देखिए दोस्तों, ये एंडीज माउंटेन यहां से लेके पूरा का पूरा साउथ तक फैले हुए हैं। और बीच में देखें दोस्तों तो सेंट्रल में मिलेंगे आपको सेंट्रल प्लेन्स, है ना, सेंट्रल प्लेन्स मिलेंगे यहाँ पे, यहीं पे ज्यादा खेती बेती भी होती है। और अगर थोड़ा ईस्ट में जाएं, ईस्ट में हमें थोड़े से हाईलैंड्स मिलेंगे, थोड़े से ऊंचे इलाके मिलेंगे, कहाँ पे, वेस्टर्न साइड, सॉरी ईस्टर्न साइड में। समझ में आया दोस्तों, ये ईस्टर्न साइड है, देख लीजिए दोस्तों, वही मैं समझा रहा था। अब दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हाईलैंड्स को। हाईलैंड्स मैंने बताया ना किस तरफ है, इस तरफ। तो हाईलैंड्स को सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, गिनी हाईलैंड्स। तो दोस्तों जो गिनी हाईलैंड्स है, आप देख सकते हैं ये है गिनी हाईलैंड्स, और यहीं पे दोस्तों कौन सा देश आता है, वेनेजुएला देश आता है। तो याद रखिए, जो गिनी हाईलैंड्स है ये वेनेजुएला देश में आते हैं, ये है वेनेजुएला देश दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्यों,
यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बारिश होने के कारण दोस्तों यही पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, वर्षा वन जिसे कहते हैं हिंदी में, पाए जाते हैं कहाँ पर, यही गिनी हाइलैंड्स में। और वर्ल्ड का हाईएस्ट फॉल जो है जिसका नाम है एंजल फॉल, ये करोनी रिवर, यहीं पे करोनी रिवर बहती है, इसी के ऊपर दुनिया का सबसे, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट जो फॉल है एंजल्स फॉल, ये पहली बात तो साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में भी दोस्तों कौन सी रिवर पे है दोस्तों? करोनी रिवर पे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यही इलाका गिनी हाइलैंड्स में आपको दोस्तों गोल्ड, डायमंड और आयरन के भी बहुत ज्यादा रिजर्व्स मिल जाएंगे। यहाँ पे गोल्ड, डायमंड और आयरन का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। अगली चीज समझते हैं दोस्तों प्लेटू ऑफ माटोग्रासो। ये देखिए दोस्तों प्लेटू ऑफ माटोग्रासो कहाँ है? इसमें नहीं है दोस्तों, ये अगला मैप देख लीजिए, यहाँ पे समझ में आया। ये देखिए दोस्तों प्लेटू ऑफ ग्रासो माटोग्रासो दोस्तों ये है, यहाँ पे दोस्तों ये ब्राजील का इलाका है और यहीं पे कौन सा आता है? पराग्वे दोस्तों देश आता है। ये देखिए मैंने दिखा था ना पराग्वे, कहाँ है रहा? पराग्वे देश। तो यहीं पे दोस्तों प्लेटू ऑफ ये देखिए यहाँ, यहाँ पे प्लेटू ऑफ ग्रासो, प्लेटू ऑफ माटोग्रासो आता है यहीं पर दोस्तों, समझ में आया। तो दोस्तों प्लेटू ऑफ माटोग्रासो में ये दोस्तों वेनेजुएला देश में फैला हुआ है, किसमें? वेनेजुएला देश में। और एंशियंट इरोजनल प्लेटू है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत ही पुराना इरोजनल प्लेटू है, पार्ट ऑफ सवाना ग्रासलैंड्स, और यहाँ पे दोस्तों सवाना ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं इसी प्लेटू में। और यहाँ पे दोस्तों जो है कैटल रेजिंग एक प्रोमिनेंट वर्क है दोस्तों, यहाँ पे जो है मवेशियां जो है भेड़ बकरियों को बहुत ज्यादा पाला जाता है इसी में। और गोल्ड और डायमंड के भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रिजर्व्स मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, देख लीजिए दोस्तों फिर से माटो प्लेटू का, ठीक है। अगला है दोस्तों प्लेटू ऑफ बारबोरेमा। तो दोस्तों अगला है प्लेटू ऑफ बारबोरेमा, ये दोस्तों ब्राजील में फैला हुआ है पूरा का पूरा, किसमें? ब्राजील में। और सेमी अराइड और डिसीडियस थोनी स्कर्फ पाए जाते हैं यहाँ पे, डिसीडियस थोनी स्कर्फ पाए जाते हैं, मतलब कांटे वाली झाड़ियां टाइप के जो है पौधे पाए जाते हैं। आप इसको भी लोकेशन में देख लीजिए दोस्तों, ये है प्लेटू ऑफ बारबोरेमा, ये देखिए दोस्तों पूरा का पूरा ये ब्राजील देश है और पूरा का पूरा प्लेटू ऑफ बारबोरेमा यहीं पे फैला हुआ है। ये है ब्राजीलियन हाइलैंड्स और मैंने बता दिए थे ना प्लेटू ऑफ माटो ग्रोसो, ठीक है, और यहाँ पे गिनी हाइलैंड्स है। तो समझ में आया दोस्तों। अगला समझते हैं ब्राजीलियन हाइलैंड्स। ब्राजीलियन हाइलैंड्स भी दोस्तों पूरा का पूरा ब्राजील में फैला हुआ है, ये देखिए दोस्तों ये है ब्राजीलियन हाइलैंड्स और यहीं पे कौन सा बताया था? ये बताया था प्लेटू ऑफ बारबोरेमा यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है, यहीं पे है दोस्तों। और तो ब्राजीलियन हाइलैंड्स की आपने लोकेशन देख ली दोस्तों, यहाँ पे लावा प्लेटूज पाए जाते हैं दोस्तों। और एक इलाका है जिसका नाम है मिनास गेरेस रीजन, मिनास गेरेस रीजन जो है यहीं पे पाया जाता है और यहाँ पे दोस्तों आयरन और गोल्ड के रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपको पता चल रहा है कि भाई साउथ अमेरिका में दो तीन चीजें तो मिल ही रही हैं, आयरन मिल रहा है, गोल्ड भी मिल रहा है, आयरन के रिजर्व भी मिल रहे हैं दोस्तों बहुत ज्यादा, ठीक है, आप देख लिया ब्राजीलियन हाइलैंड्स। अगला समझते हैं दोस्तों बोलिवियन प्लेटू। बोलिवियन प्लेटू दोस्तों, ठीक है, बोलिवियन प्लेटू की लोकेशन देख लीजिए, ये है बोलिवियन प्लेटू, ठीक है, यहीं पे बोलिविया देश भी है दोस्तों, शेयर्ड अमंग बोलिविया चिले एंड पेरू। तो दोस्तों जो बोलिवियन प्लेटू है तीन देशों में फैला हुआ है, बोलिविया में फैला हुआ है, यहाँ पे चिले है यहाँ पे भी फैला हुआ है, और पेरू जो देश है यहाँ पे उसमें भी फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो बोलिवियन प्लेटू है आपको सबसे पता है कि जो मोस्ट एक्सटेंसिव प्लेटू है वो तिब्बत प्लेटू है दुनिया में, जिसे तिब्बत का पठार कहते हैं, वो सबसे एक्सटेंसिव प्लेटू है। उसके बाद जो है दोस्तों ये जो बोलिवियन प्लेटू है दूसरे नंबर पे, ये मोस्ट एक्सटेंसिव प्लेटू है दुनिया में, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक जैसे कि लेक टिटिकाका, ये देखिए दोस्तों ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये है लेक टिटिकाका, दिखा दोस्तों, ये लेक टिटिकाका जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल वाटर बॉडी यहीं पे है दोस्तों, है ना, ठीक है, याद रखिए दोस्तों लेक टिटिकाका जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल वाटर बॉडी है। नेविगेबल का मतलब क्या होता है? इसमें जो है नाव वगैरह चलाई जा सकती है दोस्तों, ठीक है। अगला समझते हैं दोस्तों द वेस्टर्न माउंटेन्स। अब आ जाते हैं सबसे पहले वेस्टर्न माउंटेन्स में, यहाँ पे देखिए दोस्तों दीज आर कॉल्ड एंडीज, ये जो वेस्टर्न माउंटेन्स है इनका नाम क्या है? एंडीज के पहाड़, याद रखिए एंडीज नाम है इनका। और दोस्तों ये रन होते हैं कहां से लेके कहां तक फैले हुए हैं दोस्तों? कैरिबियन सी से लेके साउथर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका, ये रहा दोस्तों कैरिबियन सी, दिखा कैरिबियन सी, तो यहां से दोस्तों ये फैले हुए हैं और पूरा साउथर्न अमेरिका के टिप तक जाएं तो यहां तक ये फैले हुए हैं दोस्तों। ये जो माउंटेन्स हैं एंडीज वाले, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या है? ये इनकी ऊंचाई दोस्तों अभी भी बढ़ती जा रही है, उन्हें कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। और यंग फोल्ड माउंटेन्स किसके द्वारा बनते हैं दोस्तों? यहाँ ये दोस्तों जो एंडीज माउंटेन है ये किसके द्वारा बने हैं? ओशन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के द्वारा। आपको पता है
हमारे प्लेट्स हैं धरती में, जिसे जैसे कि ओशन प्लेट है, आप पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, अगर पढ़ेंगे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धरती में हमारे ओशन प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय प्लेट और समुद्री प्लेट। कौन सी? समुद्री प्लेट। तब ये दोनों जब टकराती हैं आपस में तो माउंटेन्स का जो है उठते हैं दोस्तों, समझ में आया? जब ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप वाली प्लेट जो है टकराएगी आपस में तो क्या होंगे, बीच में से माउंटेन्स उठेंगे, तो उसी की वजह से ये एंडीज माउंटेन्स बने हैं दोस्तों, समझ में आया? कौन सी प्लेट से? ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट से। यहाँ पे दोस्तों माउंट अकानगोआ है, कौन सा? अकानगोआ है दोस्तों, अकानगोआ है दोस्तों, ये सबसे ऊंची चोटी है यहीं पे एंडीज माउंटेन में, जिसकी ऊंचाई है 7021 मीटर। याद रखिए अकानगोआ जो हाईएस्ट पीक है किसकी? एंडीज की, इसकी ऊंचाई 7021 मीटर है। इसके अलावा दोस्तों कोटोपाक्सी इन इक्वाडोर इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। यहीं पे दोस्तों जो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो जिसका नाम है कोटोपाक्सी, ये इक्वाडोर में पाया जाता है, याद रखिए ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है इन द वर्ल्ड। कुछ और भी वोल्केनोस पाए जाते हैं दोस्तों, और वोल्केनिक पीक भी पाए जाते हैं, जैसे कि माउंट चिम्ब्राजो इन इक्वाडोर, ये भी यहीं पे पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? आप देख लीजिए दोस्तों, ये है पेरू देश, ठीक है, ये चिले, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये है बोलिविया, ये है पैराग्वे, ये है वेनेजुएला देश, ये है कोलंबिया देश, ये है इक्वाडोर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? ये है सूरीनाम। ऐसे देखते रहिए दोस्तों, ये अटलांटिक ओशन, आपको समझ में आता रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगला समझते हैं साउथ अमेरिका के इंपॉर्टेंट रिवर्स। तो दोस्तों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है अमेजोन रिवर। अमेजोन रिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखिए दोस्तों, ये अमेजोन रिवर यहां से यहां तक और यहां जाके किसमें बह जाती है? अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है दोस्तों। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, जैसे मदेरा रिवर है, और यहां से देखिए नेगोरो रिवर जो है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है इसको, इसकी दोस्तों। ये जो अमेजोन रिवर है बहती है दोस्तों वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं ये वेस्ट से गई और ईस्ट में चली गई, और पासेस थ्रू इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पे मैंने बताया था ना, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, कोलंबिया में ही इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मैंने बताया था, तो यहीं से दोस्तों ये रिवर पास होती है। नेविगेबल टिल मनाउस, और यहाँ पे मनाउस एक शहर है दोस्तों, वहां तक क्या है ये नेविगेबल है, इस पे नाव वाव चलती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोलियम एट माउथ नेचुरल रबर, और इसके माउथ पे देखा जाए तो पेट्रोलियम बहुत सारे रिजर्व्स भी पाए जाते हैं, और नेचुरल रबर भी यहाँ पे उत्पादन होता है दोस्तों इसी अमेजोन रिवर के पास, किसका? नेचुरल रबर का भी उत्पादन होता है। अमेजोन दोस्तों रेन फॉरेस्ट जो है इसी इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिये ये जो अमेजोन रिवर बह रही है, देखिए दोस्तों ये अमेजोन रिवर अच्छे से देख सकते हैं, यहीं पे दोस्तों ये अमेजोन जो है रेन फॉरेस्ट भी यहीं पे पाए जाते हैं दोस्तों। ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और दोस्तों इन्होंने नॉर्थ और वेस्टर्न ब्राजील को कवर कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों ये कोलंबिया देश, पेरू देश और दूसरे साउथ अमेरिका के देशों में भी फैले हुए हैं, देख सकते हैं दोस्तों, ये है कोलंबिया, यहाँ पे भी फैले हुए हैं ये। इसके अलावा वेनेजुएला है दोस्तों, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये गिनी, सूरीनाम देश है, ये फ्रेंच गिना है दोस्तों, ये फ्रेंच की, फ्रांस जो देश है उसकी ओवरसीज टेरिटरी है यहीं पे दोस्तों, तो इन सारे देशों में फैला हुआ है। ये इक्वाडोर में भी देख सकते हैं दोस्तों अमेजोन है, इसके अलावा थोड़े बहुत पेरू में भी है दोस्तों, ये बोलिविया में भी है। कहने का मतलब है साउथ अमेरिका की ज्यादातर कंट्रीज में ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है फैले हुए, लेकिन ज्यादातर है किसमें? ब्राजील में, ज्यादा हिस्सा जो है किसमें? ब्राजील देश में है, ठीक है। ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है दोस्तों ये रिच है किसमें? बायोडाइवर्सिटी में, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है। So far more than 2.5 million species have been discovered. देखा कितनी species discover करी जा चुकी हैं? 2.5 million. याद रखिए 25 लाख तक species यहाँ discover करी जा चुकी हैं दोस्तों। Deforestation due to the cattle ranching and soya beans fields. दोस्तों इसका जो है deforestation हो रहा है, मतलब Amazon forest को दोस्तों बहुत सारे लोग काट रहे हैं। किसकी वजह से काट रहे हैं दोस्तों? Cattle ranching की वजह से काट रहे हैं, और soya beans की field की वजह से दोस्तों ये जंगल जो है बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, याद रखिए। जिसकी वजह से होता क्या है आपको पता है, जब फॉरेस्ट काटे जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा दोस्तों। अमेजोन फॉरेस्ट को इसीलिए दोस्तों लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहां से दोस्तों ऑक्सीजन बहुत ज्यादा निकलती है, जो कि हमारी धरती के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगली रिवर देखते हैं पराना रिवर। कौन सी? पराना रिवर, ये देखिए दोस्तों, ये है पराना रिवर, देखिए दोस्तों ये है पराना रिवर, ठीक है। पराना रिवर आपने देख ली दोस्तों, फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, और ये देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ में बहती है, ये नॉर्थ है और ये साउथ से साउथ में बहती है दोस्तों। फ्रॉम सोर्स इट्स जंक्शन विद पराग्वे नोन एज ऑल्टो पराना। तो दोस्तों इसका सोर्स जो है पराग्वे जो देश है वहीं पे है, पराग्वे देश में एक जगह जिसका नाम है ऑल्टो पराना, यहाँ पे है ऑल्टो पराना नाम की जगह, यहीं से इसका सोर्स है, यहीं से ये इसकी शुरुआत होती है।
दोस्तों इसी रिवर के ऊपर बहुत सारे आपको वाटरफॉल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि यूजफुल है फॉर दोस्तों ये रिवर जो है यूजफुल है इरिगेशन के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा इरिगेशन इस पे होता है, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे क्या है सेंट्रल लोलैंड्स है, तो सारी की सारी जो खेती है साउथ अमेरिका में यहाँ इलाकों में होती है, तो यहाँ पे जो रिवर होगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा दोस्तों व्हीट का जो कल्टिवेशन है यहीं पे होता है, क्यों, यहाँ पे पंपास जो रीजन पाए जाते हैं, पंपास जो है घास स्थल पाए जाते हैं, याद रखना है दोस्तों पंपास क्या है, घास स्थल है, और इसी वजह से यहाँ पे जो व्हीट की खेती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगली रिवर देखते हैं दोस्तों उरुग्वे रिवर, क्या उरुग्वे रिवर, ठीक है, देख सकते हैं ये है उरुग्वे रिवर, यहीं पे पराना रिवर थी ऊपर और उरुग्वे रिवर नीचे उसके, ठीक है, ये जो है ये भी दोस्तों नॉर्थ से साउथ में बहती है, आप देख सकते हैं ये नॉर्थ से साउथ में बह रही है, और उसके बाद दोस्तों ये उरुग्वे रिवर जो है पुराना रिवर को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है, टू फॉर्म रियो डे ला प्लाटा एस्चुरी, यहीं पे बनती है दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन, यहाँ पे दोस्तों ये जो उरुग्वे रिवर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इरिगेशन के लिए है। इसके अलावा नॉट यूजफुल फॉर नेविगेशन ड्यू टू न्यूमरस रिपिड्स, लेकिन दोस्तों जो ये उरुग्वे रिवर है इसमें नेविगेशन पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरस रिपिड्स होते हैं दोस्तों, इस वजह से ये जो रिवर है इस पे ज्यादा नाव वगैरह चलती नहीं है। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, अगले लेक्चर में दोस्तों हम साउथ अमेरिका के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स देखेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।